हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपसे सीबीएसई ने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर इशू किया उसी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ये क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे देखेंगे, और इसमें ना 2023-24 में जो अब आप पेपर देने जा रहे हैं फाइनल के, तो उसकी जो मार्कशीट प्रिपेयर की जाएगी, तो यहाँ पर सीबीएसई ने बताया कि आपको ना उसके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे। आपको जो है ना सीजीपीए की फॉर्म में जो है ना नंबर, या जैसे कि हम कह सकते हैं ग्रेड मिलेगी, ठीक है, या ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं आपको एक जो न्यूज़पेपर है हिंदुस्तान टाइम्स, उसने भी काफ़ी अच्छे से बता रखा है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा और आपको ब्रीफली जो है इस सर्कुलर के बारे में बताऊंगा। आप ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर एक बात और बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी परसेंटेज फिर निकालनी होगी, क्योंकि आप जब क्लास ट्वेल्थ पास कर लेंगे तो उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन है वो कहता है मैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बच्चे के मार्क्स, तो सीबीएसई ने ये भी बता दिया कि आपके जो ग्रेड वगैरह होंगे ना वो परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर सारी बात क्लियर कर दी गई है। सीबीएसई ने कहा है कि देखो कॉम्पिटिशन जो है ना पूरा पॉजिटिव होना चाहिए और बच्चे जो है परसेंटेज के पीछे ना भागे, इसलिए पूरा का पूरा जो है ना पैटर्न सीबीएसई ने नया रखा है जो आपके सामने, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए मैं आपको ये अखबार की इंफॉर्मेशन भी बता देता हूँ। यहाँ पर बता रखा है कि बोर्ड में चाहे वो 10वीं के हों या वो 12वीं के हों, तो इस बार बोर्ड में आपको डिस्टिंक्शन शो नहीं होगी, आपके कुल मार्क्स आपको नहीं बताए जाएंगे। इस बार आपको जो है ना मेरिट लिस्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। आपको जो है नए नियम के हिसाब से आपको जो है आप ग्रेड पॉइंट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर सीबीएसई ने बताया कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट लिए जाएंगे। जैसे अगर कोई बच्चा 6 सब्जेक्ट के पेपर दे रहा है, 7 के दे रहा है, 8 के दे रहा है, तो वो उनमें से किन्हीं 5 सब्जेक्ट के नंबर जो हैं, क्योंकि अब नंबर ग्रेड पॉइंट्स के रूप में होंगे, तो उसको ऐड करके जैसे 40 आ रहा है तो 5 से डिवाइड करो उसको 8.0 आ गया, तो उसकी सी जी पी ए 8.0 कहलाएगी। यहाँ पर सीबीएसई ने बताया कि अगर आप उसे परसेंटेज में बदलना चाहते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि अभी 40 आए हैं और 5 से डिवाइड करा तो उसकी 8 है, तो अगर उसे परसेंटेज में बदलना है तो उसे 9 पॉइंट यहाँ पर बता रखा है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अब जैसे किसी बच्चे के जो है ना 10 आए हैं, ठीक है, यानी कि अगर किसी बच्चे का सी जी पी ए 10 आया तो उसका सी जी पी ए 10 तब होगा जब उसके 91 से 100 के बीच में मार्क्स होंगे, 100 होंगे 91 होंगे, तो उसकी परसेंटेज 95 मानी जाएगी। अगर किसी बच्चे का 9 आया सी जी पी ए, यानी कि यूँ कह लीजिए अगर बोर्ड के टीचर ने आपकी मार्कशीट जो है बनानी है, तो आपके जो पेपर चेक हुए हैं, मान लो आपने पेपर दिया मैथ्स का पेपर दिया, आपके 90 मार्क्स आए तो आपको सी जी पी ए मिलेगा 9, अगर किसी बच्चे के 81 मार्क्स आए तो उसको भी 9 मिलेगा, और अगर हम उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी परसेंटेज आएगी 85.5। ऐसा इसलिए किया गया कि बच्चे परसेंटेज के पीछे ना भागें, नंबर के पीछे ना भागें। तो इसमें बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। बेनिफिट कैसे, अगर किसी बच्चे के मान लो 71 नंबर आए तो उसको भी 8 पॉइंट मिलेंगे, अगर किसी बच्चे के 80 मार्क्स आए तो उसको भी 8 पॉइंट ही मिलेंगे, और जब उसको रियल में परसेंटेज में बदला जाएगा तो उसको 76% मिलेगी। तो ये सीबीएसई ने इस बार से जो है ना बिल्कुल स्टार्ट कर दिया है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो मैं और भी इसके रिगार्डिंग वीडियो ले आऊँगा, तो मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे के सभी में 10 10 10 10 10 आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे उसके 50, ठीक है, तो 50 को 5 डिवाइड करेंगे कितने हो गए, यहाँ पर आपके 10, और अगर ये इसके बच्चे के 10 हैं तो उसको पूरी ओवरऑल परसेंटेज निकालने, किसी इंस्टीट्यूशन में उसको अपनी परसेंटेज बतानी है तो 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसके 95% होगी, मतलब आप किसी को 100% नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो 95 ही जो है मैक्सिमम परसेंटेज रहेगी। तो ये था पूरा, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और बता दूँ, जैसे अगर किसी बच्चे के 81 से 90 के बीच में मार्क्स है तो उसको 9 ग्रेड ही मिलेगा, किसी के 91 से 100 है तो उसको 10 पॉइंट ही मिलेंगे, तो 91 वाला है उसको भी 10 है, 92 वाले को भी 10 है, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 वाले को भी 10 है, और जब रियल में इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो 5 मेन सब्जेक्ट के
टोटल करके, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, उसको फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आएगा उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपकी क्या राय है, आप इसके फेवर में हैं या आप बिल्कुल भी इससे सेटिस्फाइड नहीं, अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल योर स्टूडेंट्स।